योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिनमें सबसे अहम श्रम विभाग के तहत संचालित कर्मचारी बीमा अस्पताल के डॉक्टर का नॉन प्रैक्टिस भत्ता था, जिसे यूपी सरकार ने पास कर दिया है। यानी अब 2019 के जाते जाते योगी सरकार ये सौगात दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है, जिसमें आखिरकार लंबे समय से सिख दंगों की चल रही जांच कर रही एसआईटी को थाना बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अंतिम संस्कार के लिए दिए जाने वाले अनुदान राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी। वहीं इनमें अहम श्रम विभाग के तहत संचालित कर्मचारी बीमा अस्पताल के डॉक्टर्स का नॉन प्रैक्टिस भत्ता था, जिसे यूपी सरकार ने पास कर दिया है। वहीं ऐशबाग रामलीला मैदान के रखरखाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। लखनऊ की बंथरा समेत 17 नई नगर पंचायतों को मंजूरी दी गई। नगर निगम मथुरा वृंदावन और प्रयागराज नगर निगम का सीमा विस्तार को मंजूरी। प्रतापगढ़ की नगर पालिका बेला की सीमा विस्तार के प्रस्ताव पर मोहर लगी। कुशीनगर के नगर पंचायत सेवरी के सीमा विस्तार को मंजूरी दी गई। गोरखपुर महाराजगंज निचलौला मार्ग के निर्माण योजना को मंजूरी दी गई। देवरिया में सुनोली बलिया SH01 मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण की मंजूरी दी गई। लंबे समय से प्रस्तावों को मंजूरी मिलने वालों की आस को आखिरकार योगी सरकार ने साल के आखिर में तोहफा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV।